राम राम जी। आज है 3 अप्रैल 2022 और श्रीलंका की सिचुएशन की बात करें तो भाई साहब बहुत ख़राब हो रखी है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, जो भी ये हालत ख़राब हो रखी है ये मोस्टली कोलंबो सिटी के आसपास हो रखी है और कोलंबो सिटी में हो रखी है। अभी तक जो भी हड़ताल हो रही है या आगजनी हुई है, जो भी कुछ हुआ है वो सारा कोलंबो सिटी में हुआ है, बाकी कहीं पर भी नहीं। श्रीलंका में 14वां दिन है, तो स्टार्टिंग में हम कोलंबो आए थे, 2 से 3 दिन रुके थे, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कुछ दिन बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई, लेकिन तब तक हम वहाँ से निकल गए थे। सबसे पहले क्या हुआ, वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया। कर्फ्यू लगाने के बाद अगले दिन इमरजेंसी घोषित कर दी और कल शनिवार को शाम को 6 बजे से आज रविवार पूरे दिन और सोमवार के सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रखा, कोई भी लोकल बाहर नहीं घूम सकता। अभी हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो हमें 2 अंग्रेज़ मिले थे, जो हमें पहले भी मिला था एक भाई अनुराधापुर में, तो उससे बात हुई थी। वो बोला जो फॉरनर्स बंदे हैं उनको घूमने दे रहे हैं और अगर कोई लोकल बंदा घूमता हुआ मिल रहा है तो पुलिस उनको मार रही है, तो तुम्हारी शक्ल श्रीलंका वालों से मिल रही है, इसलिए अपना पासपोर्ट साथ में रखें। सिचुएशन ऐसी हो रही है। बात करते हैं टूरिस्ट पॉइंट के हिसाब से, मतलब कि जो बंदे आना चाह रहे हैं, जिसकी फ़्लाइट बुक है, होटल बुक है, वे आए या ना आए। देखो भाई, अगर कैंसिल हो सकती है तो कैंसिल करने में फ़ायदा है, लेकिन अगर आपकी कैंसिल नहीं हो रही तो आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप कोलंबो को अपनी आइटनरी से हटा देना, क्योंकि कोलंबो में बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो रखी है। उससे अलग आप कहीं पे भी घूम सकते हो, जैसे अनुराधापुर में घूम सकते हो, सिगरिया में घूम सकते हो, कैंडी में घूम सकते हो, नुआरैलिया में घूम सकते हो, एला में घूम सकते हो, उसके बाद नीचे जा सकते हो मिरीसा बीच के पास, गाले के पास, कहीं पर भी घूम सकते हो। एक दिक्कत क्या सामना करना पड़ रहा है, पूरे श्रीलंका में 11 से 13 घंटे का पावर कट है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि आपकी चार्जिंग की दिक्कत है। लेकिन अभी हम कल नुआरैला में आए हैं तो यहाँ पे पावर कट 1 मिनट का भी नहीं, 20 घंटे पावर आ रही है। तो आप ये प्लान कर सकते हो कि क्योंकि मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं ना वे ऊपर की तरफ जाते ही नहीं, इसी तरफ आते हैं, जैसे सिगिरिया हो गया, कैंडी हो गया, नुआरैला हो गया, एला हो गया, उसके बाद नीचे की तरफ चले जाते हैं गाले की तरफ। तो इस तरफ पावर कट की ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लोकल अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, खाना आपको हर जगह मिल रहा है, होटल बुकिंग हर जगह मिल रही है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम फेस अभी तक करनी नहीं पड़ी है। अगर कुछ ज़्यादा सिचुएशन होगी तो मैं बता दूंगा, बाकी अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो ये अभी तक का अपडेट था, बाकी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो।